आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत अभिनंदन। कक्षा दसवीं विषय संस्कृत व्याकरण का भाग अष्टम। आज प्रकरण रहेगा हमारा पूर्व रूप संधि। देखिए प्रकरण है आज हमारा पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है और इस प्रकार है, एंग पदांतादपि। पहले इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। यदि पूर्व पदस्य अन्ते एंग, अब एंग कौन है ये हमको माहेश्वर सूत्र से भी पता चलेगा। और एक बात मैं लिख देता हूँ, ए और ओ, एंग यानी ए ओ। उत्तर पदस्य प्रारंभे, उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व आकार ह्रस्व आकार आकार अस्ति है, अतः अनेन सूत्रेण तो, अतः इस सूत्र के द्वारा द्वयो वर्णयो स्थाने, तो दोनों वर्ण के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश भवति। स्थाने पूर्व रूप एकादेश भवति। तो उन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। यदि पूर्व पदस्य अन्ते एंग, उत्तर पदस्य प्रारंभ च ह्रस्व अकार अस्ति, अतः अनेन सूत्रेण द्वयो वर्णयो स्थाने पूर्व रूप एकादेश भवति। यानी पूर्व पद के अंत में एंग, एंग कौन है, ए और ओ, और आपने सूत्र क्रमांक माहेश्वर का चौथा पढ़ा है ए ओंग, ये चौथा सूत्र है एंग, इसी को ए से प्रारंभ हुआ अंग तक समाप्त हुआ इसलिए इसको एंग बोलते हैं। तो इसमें है दो ए और ओ, ये कहाँ हो गए, पूर्व पद के अंत में, और पर पद या उत्तर पद, अलग पर पद कह सकते हैं, उत्तर में उत्तर का भी बाद में ही अर्थ होता है, और इसके बाद में प्रारंभ में पर पद के प्रारंभ में ह्रस्व आकार हो। यानी मैं इस प्रकार समझा दूं कि पूर्व पद के अंत में या तो ए हो या ओ हो, पर पद के अंत में अ से प्रारंभ होने वाले वर्ण होंगे। बाद में आगे वर्ण शब्द कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रारंभ होगा वो अ वर्ण से होगा, और पूर्व पद का अंत होगा वो ए होगा या तो या ओ होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पूर्व रूप एकादेश, पूर्व रूप एकादेश का मतलब उस अ का क्या बनता है, अवग्रह बन जाता है, इसको हम अवग्रह कहते हैं। यानी ये एस की तरह जो दिखता है इसको हम अवग्रह बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवग्रह, उसके स्थान पर होगा पूर्व रूप एकादेश। तो इसके उदाहरण इस प्रकार हम देखते हैं, जैसे उदाहरण की दृष्टि से हम लिखते हैं, ग्रामे धन अपि। अब देखिए यहाँ पर ए है अंत में और यहाँ पर अ प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ पर बनेगा ग्रामे अपि, यानी इस अ का
अवग्रह हो गया। इस अ का क्या बन गया? अवग्रह। ऐसे ही सर्वे धन अपि बराबर सर्वेपि। ऐसे ही हम लिख सकते हैं नगरे धन अस्मिन भी लिख सकते हैं, वने धनात्र भी लिख सकते हैं, वने धन अत्र बराबर वने अत्र। ऐसे ही हरे धन अव बराबर हरे अव। ऐसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार के और उदाहरण, नगरे धनात्र नगरे धन अत्र बराबर नगरेत्र। इसी प्रकार हम ओ अंत वाले भी लिख सकते हैं, जैसे लोको धन अयम तो हो जाएगा लोकोयम लोकोयम। अब इसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, कई बार आप देखते हैं लोकोयम ये एक और विसर्ग संधि में उदाहरण होते हैं, लेकिन उसको देख करके भ्रमित नहीं होना। आप उस संधि का संधि विच्छेद कैसे करते हैं उस पर निर्भर है। यदि आप लोको धन अयम करते हैं तो ये पूर्व संधि कहलाएगी, यदि लोक धन अयम करते हैं तो विसर्ग उत्व संधि का नियम होगा। इसलिए ध्यान रखें, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम ध्यान रखें कि कौन सा कैसे शब्द बनता है, संधि विच्छेद हम कैसे करते हैं इस पर निर्भर होगा कि उसमें कौन सी संधि होगी। ऐसी को धन अपि बराबर बनेगा को अपि। अब इसमें भी आप कई बार देखेंगे कि यह तो उन संधि का नियम है, परंतु ध्यान ये रखना है कि हम संधि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं। ऐसी देवो धन अपि देवोधन अपि बराबर देवोपि। ऐसी विष्णु धनात्र लेकिन अंत वाले सभी अ से प्रारंभ ह्रस्व अ से प्रारंभ होने वाले नियम ये है, ध्यान ये रखना है, इसलिए बन गया विष्णुअत्र। ऐसे हम और लिख सकते हैं लोक साधो धन या शोधन अपनी लिख लें, सरल है, शोधन अपि सोपि। तो इसमें भी हम कई प्रकार के ऐसे और उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये जो पूर्व रूप संधि है इसके हम सूत्र है इसका एंग पदांता दपि, जिसके अंत में एंग हो पद के अंत में वह पूर्व रूप संधि है, और वह है किसके अंत में? पूर्व पद के अंत में, और पर पद का प्रारंभ हमेशा ह्रस्व अ से प्रारंभ होगा, और पूर्व पद के अंत में या तो ए होगा या ओ होगा, तो उनके स्थान पर यानी उस अ के स्थान पर अवग्रह बन जाता है। यह पूर्व रूप संधि का नियम है और कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। आज के इस वीडियो में इतना ही अध्ययन, धन्यवाद, नमस्कार।